हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मोर परमाराध्य गुरुदेव ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् गौर गोविंद गोस्वामी महाराज एवं ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तरस्थ श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जींकर पाद पद्मरे अनंत कोटि प्रणति ज्ञापन करी मुतांकर अहितुकी कृपा भिक्षा करुछि। आमने श्रवण करुछे विभिन्न भक्तंकर जीवनी एवं तांकर हृदय थिबा भक्तिर पराकाष्ठा एथिरे श्रीमद् भागवत मुरु आमे आज श्रवण करिबा जे महाराज चित्रकेतु ए महाराज चित्रकेतु तांक जीवन रे जो शिक्षा किमिति से भक्ति रे निजुक्त हेले भक्ति पथ को अंगीकार कले से शिक्षा रु आम जीवन रे अनेक लाभवान हो पारिबा। प्राचीन काल रे सुरसेन देश रे महाराज चित्रकेतु जने चक्रवर्ती सम्राट थिले। चक्रवर्ती सम्राट तांकर कोटिए राणी थिले। राजा मानकर अनेक राणी थांती। राणी माने केवल भोग पाई नुहे उपभोग पाई नुहे राज्य विस्तार अनेक राज्य सहित संबंध विस्तार एवळे अनेक उद्देश्य रे राजा मानकर अनेक राणी रहुतले। किंतु चित्रकेतु महाराजंकर गोटे कोटी राणी थिले। कोटी राणी थाई मध्य से निसंतान थिले। कौन सी राणी कर कौन सी संतान ही नथिला।
से यद्यपि महाराज चित्रकेतुंकर समस्त प्रकार धन संपत्ति वैभव कम नथिला किंतु सबले से दुखी रहुथिले उदास रहुथिले ता कारण होचि तांकर कोनोसी संतान नथिला पुत्र संतान नथिला एबले चिंतित रहुथिले दुखी रहुथिले जणे राजा पर सम्राट जी दुखी रहे से राज्य को किमिति पालन करिवो देश को किमिति पालन करिवो सेतिपई राजांकर कल्याण साधन पई राजांक उपरे कृपा करिया पई थरे अंगिरा ऋषि सेठी उपस्थित हे गले राजमहल राशि पहुंचले तो महाराज बड़ धार्मिक थिले अंगिरा ऋषिंकर सीए यथाविध सम्मान कले तंकर पाद धोई देले तंकु पूजा अर्चना कले तंकु ससन्मान आसन प्रदान कले एवं अंगिरा ऋषि कहिले महाराज तमें प्रसन्न दिखाई पड़ुन तमें किसी चिंतित लगुच तमें अनेक दुखी जना पड़ुछ तमें सम्राट तुम पाखे एत वैभव संपत्ति सबकिछ अच्छी तुम्हें कहीं ये दुखी अच तुम पाखे कौन अभाव अच्छी चित्रकेतु महाराज कहिले हे ऋषिवर यद्यपि भगवान को कृपारु मते सब प्रकार संपत्ति सुख वैभव प्राप्त होइछि किंतु मते गोटी सुख मिलनी जोड़ की संतान मोर संतान नहांती पुत्र नहांती सेतिपाई मु अनेक दुखी आपन कृपा करंतु मते जने पुत्र संतान प्रदान करंतु अंगिरा ऋषि को बारंबार से आग्रह कले अंग्रेज कहिले यद्यपि तुमको पुत्र प्राप्त हव से पुत्र तुमर हर्ष एवं दुखर कारण हव हर्ष एवं शोकर कारण हव अर्थात से पुत्र तुम्हें प्रसन्नता लाभ करिव और शोक भी लाभ करिव दुख भी लाभ करिव पुनर्बार तुम्हें कौन एभली पुत्र संतान चाह जहाद्वारा तुमको हर्ष और शोक प्राप्त हव महाराज चित्र को तू चिंता कले जदि गोटे संतान हव से निश्चित भाव दुष्ट हो जीव एवं बिगड़ी जीव एवं दुष्टामी करिव सेतिपाई अवश्य किछ ना किछ दुख आसिव किंतु संतान तो आसिव संतान तो प्राप्त करिवि महाराज एभली चिंता कले चिंता करी ऋषि को बारंबार अनुरोध कले हे अम ऋषिवर मते कृपा करी पुत्र संतान प्रदान करंतु तेणु अंगिरा ऋषि यज्ञर आयोजन कले एवं यज्ञर समापन रे से यज्ञर फलस्वरूप यज्ञर महाप्रसाद श्री राजा को देले कहले ये को नहीं तमर ज्येष्ठ राणी जे बड़ राणी तांकु तुम्हें ये प्रसाद प्रदान कर से गर्भवती हेबे एवं उचित समय रे तुमको पुत्र संतान प्राप्त हव राजा बहुत प्रसन्न हो गले अत्यंत आनंदित हो गले एवं सही समय रे राजा नहीं से यज्ञर अवशेष प्रसाद को नहीं तांकर ज्येष्ठ राणी कृताद्विति को दे देले एवं कृताद्विति से महाप्रसाद पाइले पाइला परे से गर्भवती हेले एवं उचित समय रे जन पुत्र संतान जन्म लाभ कला सर्वत्र तांकर राजमहल रे सर्वत्र राजा जो एते दिन दुखी थिले उदास थिले आज तांक मुखरे प्रसन्नता रेखा देखाइला राजा अत्यंत आनंदित हो गले अत्यंत प्रसन्न हो गले समस्ते आनंदित हो गले राजमहल रे समस्ते प्रसन्न हो गले किंतु ता परवर्ती अवस्था रे कौन हला दिनों की दिन से संतान बढ़िबाकु लागिला राजा पुत्र संतान लाभ करी सब किसी भूली गले राजा अधिक समय ज्येष्ठ राणी कृताद्वितीयक राजमहल रे समय व्यतीत करिबाकु लागिले अन्य राणी माने हजार हजार राणी समस्ते एटा अनुभव कले जे राजा आमक वर्तमान अवहेला करुछंती पूर्वर जिमिति आमक स्नेह करुथिले प्रीति करुथिले करुनाहंती
ज्येष्ठ राणी को अधिक प्रीति करुचंती कारण तांकर संतान लाभ हैला। आम बर्तमान कौन करू से हृदय प्रथम तो पुत्र प्रति स्नेह थिला, धीरे धीरे से निजर ईर्ष्या आउ संबरण करी पारे ना हृदय ईर्ष्या जाग्रत हो गला। संतानहीन शोक से संतान नहीं बोली अनेक से दुखी हेले जे आमर संतान ही राजा आम के प्रीति करते संतानहीन हीनतार द्वेष आउ ईर्ष्या जोगु सबु राणी मानकर हृदय एभली एक खराब एभली एक जोजनाथ मान हृदय आसीगला मन आसीगला जो कि अत्यंत राजाई अत्यंत अमंगलप्रद। सबु राणी माने मिसी चिंता कले संतान ही आम मानकर सब प्रकार दुखर कारण से माने द्वेष ईर्ष्या जोगु भूली गले जे कोडा उचित कोडा अनुचित से माने स्थिर कले ए संतान को विष दे मारी देबे सरंग कले संतान को से जो पुत्र संतान को विष खुआई देले एवं से संतान मृत्युवरण कला। तिनी राजा देखिले तांको पुत्र मरीगला। राजा अनेक अनेक दुखी हेले जेपरी तांको परे वज्र पड़िला एते दुखरे कांदिले कांदी कांदी मूर्छित हो गले पुणी सचेत है कि पुणी कांदी 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 मूर्छित राजा एते दुखी हेले पूर्वर अधिक दुखी हेले। से समय रे तांको कृपा करिया पाई अंगिरा ऋषि आउ नारद महर्षि सहित आसिले उभय आसी पहुँचले। अंग्रेज कहले महाराज आपण एत दुखी कहेंगे मु तो आपन को कही जे आप जो पुत्र संतान प्राप्त हबो से हर्ष आउ शोक कारण हबो तेबे भी आपन प्रस्तुत हो गले संतान प्राप्त करिया पाई आपणकर संतान आपन प्रथमे आनंद प्रदान कला हर्षर कारण पर शोकर कारण होउछि। आपण केते दिन आसक्ति रहिबे एठू बाहर को आसंतु किंतु राजा से समय किसी सुनिया को प्रस्तुत नुहे पुत्र शोक पूर्ण रूप से अभिभूत ही अच्छा राजा। से समय नारद मुनि कौन कले से मृत पुत्र को उपरे हस्त संचालन करी ताकु स्पर्श कलाखिणी तांकर दिव्य शक्ति बल से मृतक पुत्र को पुनर्बार जीवन दान करदे से मला पुओ पुणी उठीगला समय देखिए आश्चर्य होगले कितु सबुठ बड़ आश्चर्य से सतानटी है से पुत्रटी है पुत्रटी बड़ आश्चर्य समस्त देखला। नारद पचारे जे हे जीवात्मा तुम्हें कहीं छाड़ी चलीगल हाँ आ तुम पुत्र को तुम्हें निजर पिता माता को छाड़ी चलीगल से दुखी तुम फेरी आस। जीवात्माटी कहला हे ऋषिवर मुते जन्म नहीं सारी प्रति जन्म रे मोर माता पिता मत लाभ होती जन्म जन्मांतर रे मुते माता पिता प्राप्त करी संसार बंधन रे आज मुक्त मु आओ ए संसार बंधन को आसवाक चाहूना मत कृपा करूँ क्योंकि भगवान हाँ चरण प्राप्त हो। जीवात्माटी ये कथा कहला जीवात्माटी से संतानटी ये कथा कहला से समय महाराज चित्रकूतर से चेतना खुलला वास्तविक सत्य कथा कह आम केते दिन संसार रे आसक्त ही रहिबा क्या संसार रे आसक्ति ही रहिबा पाई संसार बंधन रे कौन जन्म जन्मांतर बिताइबा ये कौन मनुष्य जन्मर लक्ष्य सेतिपाई महाराज चित्रकेतुंकर से समय होश फेरी आसला चेतना फेरी आसला से नारदंकर हाँ चरण में प्रपन्न हो गले। जीवात्माटी से पुनर्बार एभली दिव्य उपदेश दे पुनर्बार सीए चलीगला संतानटी पुनर्बार मृत्यु हो गला। समस्त अनुताप कले राणी माने बहुत अनुताप कले
हाय आमे पुत्र संतान को मारी दिलु। नारदंकर निर्देश रे से समस्ते ए बालक हत्यार प्रायश्चित कले। एवं महाराज चित्रकेतु नारद मुनिकर चरण रे प्रपन्न हेले, कले हे महात्मा हे भगवान मजे कृपा करंतु, मो जीवन लक्ष्य कौन, मु कौन करवा उचित। तो नारद मुनि तम कृपा कले, कले तुम्हें संसार आसक्ति छाड़ी तुम भगवान कर भक्ति कर भजन कर, ये हूँ जीवन लक्ष्य। आम जन्म जन्मांतर धरी अनेक संसार उपभोग कर सारी। तो नारद मुनिकर उपदेश रे तांको निर्देश रे से भगवान शंकरषण कर भजन करिया को लागिले। ए भगवान कर शंकरषण कर भजन करी से दिन प्रतिदिन भजन अग्रगति कले एवं शेषरे सिद्धि प्राप्त कले। तेणु से महाराज चित्रकेतु आ साधारण सम्राट राजा रहीगले नी, से महान भक्त चित्रकेतु होगले। दिने एक तेजमय विमान रे आरोहण करी महाराज चित्रकेतु कैलाश पर्वत रे आसी पहुँचिले। एवं कैलाश पर्वत रे से कौन देखिले, भगवान शंकर माता पार्वती सहित एक सभारे उपस्थित होती। से सभारे बड़ बड़ देवता माने ब्रह्मा नारद एवं आहुरी बड़ बड़ देवता मान सभारे भगवान शंकर पार्वती को निज कोल रे बसई आलिंगन करी बसचंती पार्वती को एवं समस्त समक्ष रे। से समय रे ए महाराज चित्रकेतु शंकर को उपहास करले, शंकर को से क्रिटिसाइज कले, थट्टा परिहास कले कि देखो देखो केवल धर्मर शिक्षक लोकलज्जा नहीं, लोक माने निजर पत्नी को बा निज स्त्री सहित प्राइवेट रे बसंती गोपन रे एभली भाव आलिंगन कर समस्त सम्मुख रे बसंती, तो लोक लज्जा भी नहीं। अन्य मानक उपर की प्रभाव पड़िवो, एभली भाव रे अनेक उक्ति कहिले। ए कथा सुनी शंकर भगवान शंकर तो बिल्कुल उत्तेजित हेले नहीं चित्रकेतुंकर कथा रे, किंतु माता पार्वती को असह्य हला। माता पार्वती क्रोधित हो गले, कले तुम्हें मूर्ख जानी पारुन ये ब्रह्मा अछंती, अन्य देवता मान अछंती, अन्य ऋषि मान अछंती, सेमान कौन जानी नहाते ए विषय रे, धर्मर नीति जानी नहाते, तुम्हें ही कौन धर्मर नीति जानी छ, तुम ए भले अपमान दौच शंकर को शिव को, तो तुम्हें जाओ महापापमय असुर जनी को प्राप्त कर, तुम्हें शंकरंकर पाद पद्म चरण रे अपराध कल, तो जाओ असुर जनी को प्राप्त कर। चित्रकेतु महाराज पार्वतींकर एभली अभिशाप प्राप्त करी बड़ अनुतप्त हेले। एवं चित्रकेतु महाराज विमान रु ओल्है आसी शंकर को प्रणाम कले एवं पार्वती को प्रणाम कले एवं कहले माता मुझे अभिशाप को शिरोधार जकरी ग्रहण करुछी, जी मोर अनुचित वाक्य द्वारा यदि आप दुखी होती से क्षमा जाचना करुछी, कितु अभिशाप को से अभिशाप को ग्रहण कले नतमस्तक है। सही समय रे शंकर जी कहले, कहले देख देख पार्वती, ये चित्रकूत महाराज के साधारण नुहंती, से मते गुरु भ्राता रूपे देखी एभली भार उपहास करथिले, तांकर कौनसी अपमान करियार उद्देश्य नथिला, से तो भगवान कर जने महान भक्त, ते प्रभुंकर केवली भक्त, से कौनसी प्रकार मान अपमान बा कौनस प्रकार अभिशाप को ग्रहण करिया को से पछेले नाही, कम भगवान कर जे महान भक्त से माने स्वर्ग को जिया पाई
बा नरक को जीवापी भयभीत हुंती ना। स्वर्ग अपवर्ग नरकोपि तुल्यार्थपि दर्शिनः नारायण पराशर न कुतश्चन बिभ्यति स्वर्ग अपि नरकस्य तुल्यार्थपि दर्शिनः। स्वर्ग अपवर्ग नरक तो जन भगवान कर परम भक्त नारायण परा भगवत चेतनशील से मान के बेले कौन जागो जियापाई नरक को जीवाई भयभूत हुंती ना। तांकपाई स्वर्ग अपवर्ग अर्थात पृथ्वी आउ नरक तांकपाई समान। सेतिपाई चित्रकूट महाराज यद्यपि से स्वयं अभिशाप दबाकु समर्थ से भी अभिशाप दे पारथांते किंतु से क्रोधित हेलेनि से अभिशापात को जीवन रे ग्रहण कले ग्रहण कले एवं नत स्थिर रही हाँ अभिशाप को ग्रहण करी से चली गले यद्यपि से स्वयं अभिशाप देवा को समर्थ। ये होची साधु पुरुषों का लक्षण तेणु चित्रकूट महाराज ए पार्वती अभिशाप रे सी असुर जनी को प्राप्त कले एवं तांको नाम हला वृतासुर। चित्रकूट महाराज भक्तिर यह चरम सीमा प्राप्त हो जाता यद्यपि तांको अभिशाप मिलला आउ एक जन्म मिलला असुर जन्म प्राप्त हला किंतु असुर जन्म रे भी से भगवान भक्त ही रहिले वृतासुर जन्म पाइले किंतु से भगवान भक्त ही रहिले। आमे चित्रकूट महाराज किमती वृतासुर हेले एवं वृतासुर संबंध में भक्ति संबंध में आम आगामी प्रवचन रे श्रवण करवा। मुझे ये कही मोर वक्तव्य को यही विराम दौर। हरे कृष्ण।